आप सब यहाँ बड़े बुजुर्ग, हमारे मीटिंग तो कैराना ब्लॉक की थी लेकिन और भी सभी लोग आए हैं, तो आप सबका पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और बस ये चुनाव है, आपको पता है नाइक भाई ने सारी बात कही थी, मैं अभी कांधले में हमारी एक मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पर हमारे प्रधान जी थे, दसाले के भी मीडले के भी सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो वो लोग ये कह रहे थे कि भाई आप तो आ गए, हम आपके लिए मेहनत भी करेंगे लेकिन आप वाले कहाँ हैं, कैराना के प्रधान सारे या जिम्मेदार लोग वो कहाँ हैं। तो सब जगह जहाँ भी हम जाते हैं हमारे से पहले कैराना वालों की पूछ होती है, और आप लोग अगर घर रह गए तो फिर ये चुनाव लड़ा नहीं जाएगा। तो मेरी तो बस आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग घर के लोग हो, सबसे पहले ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मेरे बड़े हो, चाचा ताया हो, मेरी जान पहचान भी सबसे ज़्यादा आप में ही है। अगर अब भी हम अपनों में ही घूमते रहेंगे, अपने ब्लॉक में ही घूमते रहेंगे तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे, 10 ब्लॉक हैं। और मेरी तो बस आप सबसे यही विनती है कि आप लोग टीम बना के अगर आप लोग ही जिम्मेदारी ले लें और एक एक टीम हमारे ही ब्लॉक से दूसरी जगहों पर जाए तो तभी ये चुनाव हम लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे। और इंशाल्लाह चुनाव के बाद तो आपके ही बीच में रहना है, सबसे ज़्यादा अपने यहाँ ही आदमी आता जाता है और इसी तरह का मामला रहेगा, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग ही इसे संभलवाओगे। तो मेरी तो बस आप सबसे यही गुजारिश है कि इस मीटिंग के माध्यम से आप लोग सब इस चुनाव में एक्टिव होकर लगे, टीम बनाकर इधर उधर हमारे साथ और ब्लॉक में लोगों को जोड़ने का काम करें, अपने आसपास के इलाकों में लोगों को जोड़ने का काम करें। और बाकी आप लोग सब मेरे बड़े हैं, मुझे 2 साल हो गए मेहनत करते हुए। एक दिन एहसान प्रधान जी कह रहे थे कि जब उतार चढ़ाव बहुत आए 2 महीने तक चुनाव में, कि रहने दो चुनाव कोई बात नहीं, तो आज अल्लाह मियां ने चुनाव को इस लायक बना दिया कि हम चुनाव में मजबूती के साथ हैं। तो अब बस मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि चुनाव मजबूत है, आप लोग मजबूती से लड़ेंगे, लड़वाएंगे तो इंशाल्लाह जीत भी होगी। और ज़्यादा सारे असबाब अल्लाह मियां ने बनाए हैं, पहले भी 2022 में भी बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन वो भी अल्लाह मियां ने आसान करा, और अब वाले असबाब भी सारे बनते जा रहे हैं। बस आपको और हमें थोड़ा इसको समेटने की ज़रूरत है, और रमज़ान का भी महीना है तो आप सबसे दुआओं की भी बहुत दरख्वास्त है, और अब टाइम होने वाला है रोज़ अफ्तारी का, तो बस आप लोग परिवार हो, घर हो, और घर उठ के चलेगा जब ही आगे का काम हो पाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अब आप लोग इस चुनाव को आप लोगों के हवाले, अब आप संभाल लेंगे।